तो वहां से जो है, अस्सलाम वालेकुम गाइस, बहुत ज्यादा बैड न्यूज है हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। मेरे गांव में मेरे बड़े पापा रहते हैं, उनकी बेटी सानिया वो हमारे बीच में नहीं रही, क्योंकि गांव में आप लोगों को पता है लाइट वगैरह का थोड़ा सा इशू रहता है, और वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनके घर में लाइट वाइट का थोड़ा सा इशू है। शाम के टाइम में वो खाना बना रही थी, और एक कमरे में जो है ना अंधेरा रहता है उनके, तो उसमें वो लकड़ियाँ लेने के लिए गई हुई थी। पता नहीं वहाँ पे क्या था, किसी ने उसको काट लिया, छोटी सी बच्ची थी वो, 14-15 साल की। तो मतलब पहले तो उसकी जो है बड़ी बहन छोड़कर चली गई, फिर उसकी माँ छोड़कर के चली गई, और अब वो खुद छोड़कर चली गई इस दुनिया को। अब मेरे जो बड़े पापा हैं वो अकेले हो गए हैं, और उसका एक भाई भी है। बहनें तो बहनों की शादी हो गई है, तो मतलब देखो बहन की शादी हो जाती है ना, तो मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है, तो घर में सबसे छोटी थी वो। उसकी माँ जाने के बाद जो है ना, उसने सारा काम संभाल रखा था घर का, बचपन से ही मतलब काम काज में रही है वो। तो पर पता नहीं, मतलब बहुत अच्छी लड़की थी वो, और मैं क्या बताऊँ। तो वो शाम के टाइम में खाना बना रही थी, वो चूल्हे के लिए लकड़ियाँ लेने गई, और पता नहीं उसको वहाँ पे सांप ने काट लिया। फिर उसके बाद जो है, मतलब बच्ची थी उसमें समझ नहीं थी, तो खाना पीना बनाने के बाद में वो चली गई अपने एक फ्रेंड के यहाँ पे, और उसको बताने लगी, देख मेरे हाथ पे किसी ने कट कर लिया है। तो उन्होंने बोला कि अपने पापा को बताओ इस बारे में, एक मिनट। तो उसने बोला अपने पापा को बताओ जाकर, मुझे मत बताओ, क्योंकि उसकी ये वाली उंगली में जो है दांत के निशान थे, बहुत ज्यादा गहरे गड़े हुए निशान थे। फिर वो मतलब खेलते घूमते पड़ोसी के घर में, मतलब जो है टीवी देखने के लिए चली गई, वहाँ पे टीवी देखा, फिर एक और पड़ोसी के घर जो है चली गई, क्योंकि घर में कोई रहता तो है नहीं। पापा और उसके भाई जो है काम पे चले गए थे, वो घर पे ही रहती है अकेली सारे दिन, तो मतलब इधर उधर जाती रहती है, अब बच्ची ही तो थी। फिर उसके बाद एक और पड़ोसी के घर गई, तो उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला कि ये तो किसी ने काट लिया, लाओ मैं ना इसमें पट्टी बांध देती हूँ, ताकि जो भी जहर वगैरह होगा वो ऊपर ना जाए। लेकिन उसको ना सांप ने काट रखा था, और उन्होंने पट्टी भी बांधी, तो उसने बोला कि मुझे इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो ठीक हो जाएगा ऐसे ही है। फिर उसके बाद जो है उसने जो है ना पट्टी उन्होंने जो बांधी थी वो खोल दी हाथ से, और तो उन्होंने जो पट्टी बांधी थी ना वो उसने अपने हाथ से खोल दी, कि कुछ नहीं होता है ऐसे जहर वह, क्योंकि वो तो समझ चुकी थी कि इसको किसी सांप ने काट लिया है, इसलिए इसके दांत के निशान काफी गहरे गड़े हुए। फिर उसके बाद जो उसने पट्टी निकाल दी, और बस जा कर के अपने घर पे, और वो सो गई उसको, क्योंकि बहुत ज्यादा नींद सी आ रही थी उसको, क्योंकि जब सांप
काटता है ना तो नींद बहुत ज्यादा आती है, तो आंखें बंद नहीं होना चाहिए बोलते उस टाइम पे, तो मतलब जहर हल्का हल्का सा फैलने लगा था। फिर वो अपने घर पे जाके सो गई। फिर शाम के टाइम में उसके पापा आए हैं, उनको खाना वाना खिलाया है, और बस फिर उसने अपने पापा को बताया कि पापा मुझे ना मतलब बहुत उल्टी जैसा मन हो रहा है, बहुत चक्कर आ रहे हैं, और मुझे यहाँ पे किसी ने काटा भी है। तो फिर उन्होंने जो है अपने जो उनके मतलब छोटे भाई के बच्चे हैं, मतलब छोटे भाई भी अब नहीं रहे दुनिया में, उनके दो दो तीन बच्चे हैं, तो उनको उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा लग रहा है सानिया को। तो फिर वो लोग आए घर पे और फिर उन्होंने देखा, फिर उसको जो है ना मतलब ऐसा लग रहा था कि दम आखिरत हो रही हो, जैसे उसके पैरों से जान निकल रही थी। लेकिन उसको जैसे तैसे करके तो उसको जैसे तैसे करके जो है बाइक पे बिठाया है, और उसको हॉस्पिटल के लिए ले जा रहे थे। मेरे एक चाचा है, मतलब हमारे मतलब डॉक्टर ही है वो, तो काफ़ी अच्छी दवाई मतलब दे देते हैं, वो परिवार के ही हैं, तो वहाँ पे लेकर उसको जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि इसको सांप ने काट लिया, तो उन्होंने मना कर दिया था कि इसको हॉस्पिटल लेकर के जाओ, क्योंकि मेरे जो चाचा है ना वो डॉक्टर है। तो उन्होंने देखा उसको कि उसकी उंगली जो है ना हल्की हल्की सी नीली पड़ती जा रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि नहीं, इसको ना वहाँ पे लेके जाओ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल लेकर के जा रहे थे वेन वेन करके मुरैना, रात में मुरैना लेकर के आए। टाइम मुझे नहीं पता है कि कब है, कब कितने बजे लेकर के आए, समथिंग कुछ 11 या 2-3 बज रहे हो, कुछ भी बज रहा हो टाइम मुझे नहीं पता है। वहाँ से ऑक्सीजन मतलब वहाँ से हॉस्पिटल यहाँ लेकर के आए मुरैना, मुरैना में उसको जो है ऑक्सीजन वगैरह लगाया, क्योंकि उसकी उंगलियाँ वगैरह नीली पड़ती जा रही थी, उसकी आवाज़ एकदम चेंज हो गई थी, क्योंकि वो सो गई थी ना, तो सोने के बाद उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी। तो लोग बाग घर में जो भी थे ना वो घबरा गए थे, तो इसलिए हॉस्पिटल उसको लेकर आए। गाँव में आप लोगों को पता है हॉस्पिटल वगैरह है तो, पर उसमें मतलब एक आध ही डॉक्टर रहता है, तो मतलब इतना वो नहीं है। वहाँ से भी ज़्यादातर मुरैना ही आते हैं, मुरैना ही लेकर के आते हैं गांव वगैरह से। हमारे मुरैना में उसको जो है थोड़ी देर रखा, उसको ऑक्सीजन वगैरह लगाया, डॉक्टर समझ गए थे कि नहीं बच पाएगी, क्योंकि जहर पूरे शरीर में फैल चुका था। यहाँ से ऑक्सीजन लगाने के बाद में उसको ग्वालियर लेकर के गए हैं एम्बुलेंस से ही, रात के 3 बजे। और फिर उसके बाद में जो है वहाँ पे रखा, तो वहाँ पे डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब वो नहीं रही है, कोई फायदा नहीं है इधर उधर ले जाने से। तो वहां से जो है तो वहां से उन्होंने बोल दिया कि अब नहीं रही है ये, ले जाओ। एम्बुलेंस से सीधा हमारे गांव पहाड़गढ़ लेकर के गए उसको। वहां से सुबह हमें खबर मिली है, सुबह 7 बजे, मेरे चाचा के लड़के छोटू ने ही बताया था कि सानिया इंतकाल कर गई है। तो फिर यहाँ से मेरी मम्मी वगैरह सब लोग गए, और जब ऐसा कोई केस होता है ना तो गांव के सब लोग बहुत इकट्ठा हो जाते हैं। और पिछली बार भी पता है गाइस, उसके साथ में ऐसा हुआ था कि उसको जो है ना वहाँ अपने घर में ही उसको नेवले ने काट लिया था। नेवला जो होता है ना उसके पीछे साइड में एकदम चिपका रह गया था। बोलते कि नेवले के काटने से भी इंसान नहीं बचता है,
लेकिन उस टाइम पे वो बच गई थी, लेकिन इस बार पता ही नहीं, इस बार वो नहीं बच पाई, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया था। वो सिर्फ नेचुरल वे में ले रही थी इस चीज को, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता था ना कि किसने काटा है। अगर ये चीज पता होती कि सांप ने काटा है, तो उसी टाइम पे सपेरे को बुला करके चीजें भी हो सकती थी, है ना, और डॉक्टर के पास भी तुरंत जा सकती थी। क्योंकि उसने ना, अगर शाम को 6 बजे भी या 7 बजे भी सांप ने काटा होगा ना, तो उसको जो है 11 बजे तक पता चला है, उसको फीवर होने लगा, उसको गले में दर्द होने लगा, उसको चक्कर आने लगे, उल्टी जैसे महसूस होने लगा, क्योंकि उसकी दमा खिरत हो रही थी। काफी लेट हो गए, अगर ऐसा होता पहले पता चल जाता तो जल्दी से हॉस्पिटल ले जा करके उस टाइम पे कुछ हो सकता था, क्योंकि उसके पापा भी घर नहीं थे, उसके भाई भी घर नहीं थे, भाई भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं है अभी। बहुत सीधे सच्चे से लोग, और बट आप लोग उसके लिए दुआ करना, उसकी मगफिरत के लिए दुआ करना, अल्लाह ताला उसको जन्नत अलफिरदौस में अलग से अलग मुकाम अता करे। छोटी सी देखी थी हम जब उसकी मम्मी इंतकाल कर गई थी, जब वो 3 या 4 साल की होगी उस टाइम पे हमारे पास आती थी। हमारी खाला रहती है गांव में, चाची रहती है, सबके पास ऐसी घूमती रहती थी। पर कहते हैं ना कि मौत का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए कब नहीं। बस आप लोग दुआ करना, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रही हूँ।